राम राम भाई सारा ने, स्वागत है आपका थारा थारे अपने यूट्यूब चैनल विकी वाह कॉन्सेप्ट में। आ जाओ जल्दी से, जो अपने भाई हैं उन तक शेयर करो, जल्दी से जोड़ो सब ने। आज थारते चंद्रवल फिल्म दिखाएंगे, तो जल्दी से कर दो शेयर, अपने जो भाई हैं जोड़ो साथ में। चंद्रवल फिल्म आज चलन लग रही है, आज आपने देख भी लिया टाइटल जो मारा है, तो आज बताएंगे चंद्रवल के बारे में। ये आपके सामने दिख रही होगी, आपने सामने स्क्रीन पे चंद्रावल जो ये पिक्चर है अपनी सबसे प्रसिद्ध पिक्चर रही है अपने हरियाणा में, यानी कि जब 1970 में। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बताऊंगा आपको। जो सबसे पहले, जो सबसे पुरानी है, सबसे पहले जो फिल्म थी हरियाणा में, कौन सी फिल्म थी जो SSC मानता है धरती, कौन सी फिल्म थी धरती, सबसे पुरानी या सबसे पहली फिल्म अपने हरियाणा की कौन सी थी धरती। ये आई थी सन 1900, सबसे प्रसिद्ध यानी कि टॉप फिल्म चली अपनी हरियाणा में चंद्रावल, धरती फिल्म कब आई 1968 में। बहुत सी किताबों में दे रखा है, जो अपनी जाट जुलानी थी, हरफूल सिंह जाट जुलानी के बनी हुई थी जो फिल्म, वो बता रखी है जो 1970 में बनी है, जो हरियाणा की फिल्म है, दूसरी फिल्म थी हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी ये फिल्म आई अपनी 1970 में, 1970 में कब आई 1970 में, ये फिल्म अपनी 1970 में आई। तो अगर आप ऑप्शन में धरती हो तो आपने धरती देना है, अगर ऑप्शन में फिर अपनी जाट जुलानी दी हुई हो तो आपने जाट जुलानी देनी है, आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। जो सबसे पहली फिल्म कौन सी अपने धरती, जो SSC मानती है अपनी धरती, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करें। आज टॉपिक बहुत बढ़िया है अपना, हरियाणा के जो भी हीरो हैं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने एंटर करे हुए हैं हरियाणा के बंदे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और उनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ये जो फिल्म है अपने चंद्रावल से लेट, चंद्रावल फिल्म थी उसके बारे में बताया था मैंने। तो चंद्रावल फिल्म बता दूं आपको, चाय से चंद्रा और चाय से चौरासी, बहुत बार पूछा गया कि जो चंद्रावल फिल्म है कब इसके रिलीजन हुआ, 1984 में, 1984 में कब आई थी फिल्म ये चंद्रावल फिल्म 1984 में। और जो सूरज का रोल किया गया था इसमें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो सूरज का रोल किसने किया था इसमें, जगत जाखड़ ने, जगत जाखड़ ने इसमें सूरज का रोल किया था, आपने ये याद रखना है। जो जगत जाखड़ ने 1984 में जो अपनी कौन सी फिल्म आई थी चंद्रावल, ये आप चंद्रावल फिल्म का सीन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, स्क्रीन पे। तो 1984 में अपनी चंद्रावल फिल्म आई, इसमें जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रावल फिल्म में जो सुनील, जो अपना सूरज था, उसका रोल किसने किया था, जगत जाखड़ ने, कब आई 1984 में, याद रखना है। और हरियाणा की पहली फिल्म धरती 1968 में। शेयर कर दो जल्दी से सारे भाई, लाइव आ जाओ, अपने जो दोस्त हैं उनको भी जोड़ लें। चंद्रावल फिल्म अपनी कब आई 1984 में। उसके बाद जो हमारी फिल्म थी इससे पहले एक वीर शेरा 73-74 में आई थी, कौन सी वीर शेरा और वीर घटोत्कच, ये कब आई थी 1973-74 में, ये फिल्म आई थी वीर शेरा और वीर घटोत्कच, ये कब आई थी 1973-74 में, इनमें से कोई से मिल जाए 1974 में आपने देना है। वीर शेरा और वीर घटोत्कच ये दो फिल्म आई, उसके बाद फिर 1984 में कौन सी जगत जाखड़ की अपनी चंद्रावल। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लाडो रानी फिल्म थी जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था 2000 में, लाडो रानी फिल्म थी हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी लाडो, जिसको अवार्ड मिला था 2000 में, हरियाणा की पहली फिल्म लाडो थी जिसको अवार्ड मिला था 2000 में, जो राष्ट्रीय अवार्ड किस फिल्म को मिला था लाडो को, ये आपने याद रखना है। उसके बाद मैं आपको जो यहाँ के प्रसिद्ध अपने कलाकार हैं हरियाणा के, जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, सबसे पहले हम हरियाणा जिले के बारे में बात करेंगे। जो हरियाणा जिले से, वैसे जब मैंने आपको हरियाणा जिले के बारे में बताया था, उसमें आपको हर एक उसके बारे में आपको बताया था मैंने, जब हरियाणा राज्य के बारे में आपको बताया मैंने ना, उसमें आपने देखा होगा सब जो हीरो थे उनके बारे में मैंने आपको सब बताया, जो हमने जिले किए हैं अपने हरियाणा के, हर जिले से कौन कौन सा हीरो है, क्या क्या वहाँ की खासियत है, उससे रिलेटेड सब आपको बताया है। तो सबसे पहले अपनी परिणीति चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा अपने
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिणीति चोपड़ा हरियाणा के किस जिले की है और किस व्यवसाय से है, यानी कि सिनेमा सिनेमा से या किसी उससे आ जाए कि पॉलिटिशियन से अदर कुछ आ जाए, तो आपने क्या देना है, सिनेमा से, फिल्म जगत से अपने परिणीति चोपड़ा है। पूछा जाएगा कि ये हरियाणा के किस जिले की है, अपने अम्बाड़ा जिले की, आपने याद रखना है। उसके बाद कंप्यूटर जी नेक्स्ट दिखाएं, जो हमारा अम्बाड़े से है, अम्बाड़ा से जो अपने कलाकार है जूही चावला, देखो कितने टॉप तक जा रहे हैं, अपने हरियाणा के हैं जो, ये तो लगन होनी चाहिए भाई, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, किसी भी काम में बढ़ जाओ, अपनी लगन से लग जाओ। और पढ़ाई है, जूही चावला है, आज कल ने आपका नाम होगा, रमेश काला, रामफल, कोई सब आए अपना, सारे के नाम होने हैं थारे, तो इस करके मेरे भाई अपने लगन से देख, पूरा देखो, वीडियो ने भी देखो और अपने जितने भी चल रहे हैं, पढ़ाई दिल लगाकर करो, लगन से करो, कल ने थारा भी नाम होगा यहाँ से, कल ने शायद अपना हरियाणा में थारा भी कोई ऐसा काम हो कि कल ने थारी फोटो दिखाई जाकर स्क्रीन पर कि ये भी अपने हरियाणा के हैं, जैसे जूही चावला अपने अम्बाड़ा जिले की है, ये भी अपनी एक्ट्रेस है अम्बाड़ा जिले की। उसके बाद जो ओमपुरी, ओमपुरी आपने देखा होगा बहुत सी फिल्मों में, बड़ा ही सुप्रसिद्ध इंसान है, ये भी कहाँ गए अपने हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, यही पूछा जाएगा कि ओमपुरी किससे रिलेटेड है, तो आपने बताना है फिल्मी जगत से, या इनका जन्म स्थान पूछा जाएगा ये कहाँ से है, ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, तो इनका आपने जन्म स्थान बताना है कहाँ पे है, अम्बाड़ा में। देखो कितने बड़े बड़े जो अपने एक्टर्स हैं अपने हरियाणा में जन्मे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, जो हमारे अम्बाड़ा से हैं जोरा भाई, ये गजल गायिका हैं जोरा भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है, जो अपनी गजल गायिका हैं जोरा भाई, इनका संबंध किससे है, अम्बाड़ा से ये इनका रिलेशन है, और पूछा जाता है कि इनका संबंध क्या व्यवसाय है इनका, इनकी है गजल गायिका है एक अपने हरियाणा के अम्बाड़ा जिले की। उसके बाद है जो अपने वेद गांधी, ये भी अपने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, कहाँ के हैं ये, यमुनानगर के। वेद गांधी देखो हमारा मेन मोटिव यही है फोटो आपके लिए लेके आने का, कि जो जो हमारे एक्टर्स हैं अपने हरियाणा के वो आपको याद हो जाए, और अपने फिल्म इंडस्ट्री में जो जो गए हुए हैं और आप इनको कभी भूल ना पाए, एग्जाम में जब भी आपके पास आए कि ये किस उससे जुड़ा हुआ है तो आप सीधा उसका आंसर दे सको। उसके बाद जो अपने हैं अपने सुनील दत्त जी, सुनील दत्त आप संजय दत्त को तो जानते होंगे सभी, जो सुनील दत्त हैं ये उनके पिताजी हैं, जो एक डायलॉग भी सुना होगा आपने कि मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ, तो ये उस बदमाश के पिताजी हैं, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो सुनील दत्त ये अपने कहाँ गए हैं, ये भी अपने यमुनानगर के हैं, आपने ये याद रखना है, और संजय दत्त के पिताजी हैं, बहुत देख लिया होगा आपने, जितने भी टॉप के अपने फिल्म इंडस्ट्री में अपने कहाँ से हैं, हरियाणा से। उसके बाद देखें हमारा जो रिचा शर्मा, ये भी एक गायिका है अपने फरीदाबाद की, कहाँ की, फरीदाबाद की है अपने रिचा शर्मा, ये भी अपने हरियाणा का नाम इन्होंने भी पूरी बुलंदियों में चढ़ा रखा है, तो रिचा शर्मा भी आपने ये याद रखनी है। कंप्यूटर जी चेंज करें एक बार, जो अपने सोनू निगम जी हैं फरीदाबाद से ही हैं वो भी, उनके बारे में जरा बच्चों को बताएं, ये है अपने सोनू निगम भाई, इसके बारे में भी आप जान पाओगे, सिंगर भी हैं और अपना राइटर का काम भी करते हैं और एक्टिंग उक्टिंग सारा है इनके, वो बहुत बढ़िया इनका नाम है आज फिल्म इंडस्ट्री में, और ये भी अपने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के हैं, कौन, सोनू निगम, बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं, देख लो आपको फोटो से अब इसकी पहचान होनी चाहिए, अगर आपके पास पूछा जाए कि सोनू निगम हरियाणा किस जिले का है और ये क्या करते हैं, सिंगर हैं ये और निर्देशन का काम भी करते हैं ये। और उसके बाद हैं जो अपने सतीश कौशिक जी, सतीश कौशिक जी ये अपने कहाँ गए, महेंद्रगढ़ के, देखो आपने देखी होगी साउथ की फिल्में, साउथ की फिल्मों में आपने बहुत बार देखोगे कितने रोल हैं इसके, तो ये भी अपने सतीश कौशिक जी फिल्म इंडस्ट्री से अपने कहाँ के हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के। तो उसके बाद ये देखो इसका ज़्यादातर रोल होता है गुंडों का, ये या तो पुलिस में गुंड होता है या वैसे ही गुंड होता है, तो यशपाल शर्मा जी हैं जो अपने कहाँ के, ये भी अपने हिसार जिले के हैं, एक बार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को जोड़े यार जल्दी से जल्दी, ताकि वो सभी भी इसको देख सकें। देखो कौन कौन जुड़ा है, अमरीक सिंह जी आपका फेवरेट, थैंक यू भाई, कर दो शेयर कर दो जल्दी सी। उसके बाद है जो अपनी मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत भी अपने हिसार जिले की है, मल्लिका शेरावत
अगर भाई देखो मलिका शेरावत जैसी बहू हमने भी लेनी है तो एक बार पढ़ाई करो यार, अपना लगन दे लग जो खट्टरी का बहुत हारते भी दवा देगा। न्यू नहीं भाई, लॉकडाउन चल रहा है, थोड़े टाइम पीछे एग्जाम आने हैं, पक्के में एग्जाम होंगे, आज इब नहीं तो अगले साल होंगे, पर तैयारी ना छोड़ो भाई। अगर पढ़ाई में एक बार थम छोड़ गए ना तो बहुत लेट पहुंचोगे, अब जो कर रहे होगे वो तो अपना फिर वहीं टिका रहेगा, थम फिर पीछे हट जाओगे भाई। तो अपना लगे रहो, अपना देखते रहो भी कल ने थारा ब्याह हो जाएगा, फिर नहीं तो बिहार का चक्कर लाना पड़ेगा भाई। तो देख लो यहीं अपना हरियाणा में चल जा काम, तो तैयारी करो। उसके बाद अपनी मोनिका सोनी, ये अपने रेवाड़ी की हैं, इसको रेवाड़ी की लता मंगेशकर भी बोला जाता है। मोनिका सोनी आपने याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, रेवाड़ी की लता मंगेशकर। किसे बोला जाता है, मोनिका सोनी को, ये आपने याद रखना है मोनिका सोनी के बारे में। नेक्स्ट करें कंप्यूटर जी, ये अगले अपने रोहतक से हैं जो रणदीप हुड्डा जी, आपने देख लिया होगा, और इनकी एक बहुत बढ़िया फिल्म थी करनाल में बनी हुई है, जो अपने करनाल पे लाल रंग फिल्म सभी ने देखी होगी, बहुत ही सुपरहिट फिल्म, एक बार देखियो। उसमें इन्होंने अपने हरियाणवी भाषा का पूरा दम लाया है, और सुपरहिट फिल्म रही इनकी, वो भी बहुत बढ़िया चला है, एक बार देखना, बहुत बढ़िया फिल्म है। रणदीप हुड्डा अब ये बॉलीवुड में भी एंटर कर चुके हैं, अपने हॉलीवुड में, ये आपने याद रखना है, जो रणदीप हुड्डा जी कहाँ गए अपने रोहतक के। नेक्स्ट करें, उसके बाद है सुभाष घई, ये भी एक डायरेक्टर हैं अपने, कहाँ के हैं रोहतक के, सुभाष घई। साउथ की फिल्मों में इन्होंने पहले तो एक्टिंग का काम भी किया और फिर ये डायरेक्टर बन गए, तो सुभाष घई कहाँ गए अपने रोहतक के। उसके बाद दिखाएंगे कंप्यूटर जी सपना चौधरी, इसको सभी जानते होंगे, सपना चौधरी को भी हर एक, वैसे तो इसको बच्चा बच्चा जानता होगा, सपना तो बथेरे को सपने में आती होगी, तो थारा भी सपना होगा, एक तो ब्याह करवाने का भी होगा, अरे सबका सपना एक नौकरी का भी जरूर है भाई, कौन ना चाहता नौकरी। नौकरी भाई भी पीसी गिन रही, बोलना है कहीं, बोलना है कि पीसे देखा लग जाए नौकरी, पीसे आड़ा कोई नौकरी लगता भाई, जो मेहनत करेगा रात नहीं पड़ेगा और लगन ते लगे रहेगा अपने, उसमें आज पढ़ रहे हैं कल ना पढ़ेंगे, तो डेली एक तो पढ़ाई मेरे भाई, चाहे अपने 5 मिनट भी दो पढ़ाई ना, कभी भी छोड़ दो, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो अपना पढ़ाई ने बिल्कुल टाइम दो, चाहे थोड़ा दो पर देव डेली। तो थारा सपना है नौकरी का, वो जरूर पूरा होगा, और एक सपना थारा होगा बहू का, बहू भी थारा थोड़ा सी आ जाएगी अगर थम लगन ते लगे रहे इसमें। तो सपना चौधरी कहाँ की है, रोहतक की। अगर ना थारते सपने में सपना मिली तो थाने रोस आवागा, तो कहाँ गया रोस ते रोस रोहतक, सपना टूट गया तो थाने रोस आया, गुस्सा आया, तो कहाँ गया सपना चौधरी, रोहतक की, आपने ये याद रखना है। उसके बाद अपनी जो पूजा बत्रा है, इसका कई बार दिया जाता है फरीदाबाद, पूजा बत्रा ये भी अपनी एक्टर है, ये भी साउथ की फिल्मों में बड़ा ही इनका भी नाम है, अपने हरियाणा की शान है, ये जितने भी आपने एक्टर्स देखे होंगे बड़े ही जो सुप्रसिद्ध एक्टर है अपने हरियाणा से हैं ये, तो पूजा बत्रा इनका बहुत बार आता है फरीदाबाद से। तो आपने आंसर क्या देना, रोहतक से है पूजा बत्रा का संबंध, किस जिले से, हरियाणा के रोहतक से, आपने ये याद रखना है। उसके बाद अनूप लाठर, अनूप लाठर कहाँ गए अपने करनाल के, अनूप लाठर अपने किस जिले के पूछा जाता है, करनाल के। इन्होंने जो अपनी 2000 में राष्ट्रीय अवार्ड मिला जिस फिल्म को, लाडो फिल्म में ये मेन एक्टर थे उसमें, कौन, अनूप लाठर जी, अपने कहाँ गए हैं करनाल के, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जगत जाखड़, जगत जाखड़ को आप सभी जानते होंगे, ये अपने झज्जर जिले के हैं, जगत जाखड़ जी, जैसे जगत जैसे जाखड़ झज्जर, ये आपने याद रखना, जय और वह जय है, बस ये थोड़ा सा ट्रिक छोटी मोटी लगा लेनी है आपने ताकि आप इनको याद रख सको। तो अपना जगत जाखड़ जो सूरज का रोल किया था चंद्रावल फिल्म में, कौन थे वो, जगत जाखड़। कब आई थी चंद्रावल फिल्म, 1984 में, जो हरियाणा की सुपरहिट फिल्म, यानी कि सुपर डुपर हिट फिल्म कौन सी रही थी हरियाणा की, चंद्रावल। तो जगत जाखड़ जी ने उनमें उस फिल्म में सूरज का रोल किया था, ये आपने याद रखना है। ये हरियाणा किस जिले के हैं, झज्जर जिले के। उसके बाद हैं अपने ये मीमांसा मलिक और मेघना मलिक, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो मीमांसा मलिक है तो एंकर है, ये न्यूज़ एंकर है, ये आपने याद रखना है, अपने हरियाणा किस जिले की, सोनीपत की। और अपनी मेघना मलिक, इसने एक सीरियल है, टीवी सीरियल लाडो दोबारा नाइए इस देश, उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें इनका भाग ले रखा है इन्होंने। तो मीमांसा मलिक और मेघना मलिक ये दोनों सगी बहनें हैं अपने किस जिले की, अपने सोनीपत जिले के, अपने मीमांसा मलिक और मेघना मलिक आपने याद रखना है भाई। उसके बाद है जो पंडित जसराज, पंडित जसराज ये कहाँ गए, हिसार के। पंडित जसराज जी अपने किस जिले गए हैं, हरियाणा के हिसार जिले के। जो इनका मेन प्रोफेशनल क्या था, यानी इनका मेन व्यवसाय जो क्या था, ये एक शास्त्रीय संगीतक थे, बहुत बार पूछा जाता है,
जोराबाई के बारे में। जोराबाई थी जो अपनी, वो कहाँ की थी? अंबाड़ा की। उनका क्या काम था? वो गजल गायिका थी। और एक कल्लन कल्लन खां के बारे में पूछा जाता है, वो कहाँ के हैं? और ये अपने पंडित जसराज जी हैं, कल्लन खां गुड़ियानी रेवाड़ी के हैं जैसे, और जसराज जी हैं अपने, ये कल्लन खां तो ख्याल गायक थे, और जो जसराज जी थे ये शास्त्रीय संगीत तक। ये तीन आपने याद रखने हैं, जो कल्लन खां अपने गुड़ियानी के हैं, और जो पंडित जसराज जी हैं ये अपने हिसार के और शास्त्रीय संगीत के हैं, और एक अपनी जोराबाई है अंबाड़ा की। उसके बाद जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जो चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, HLC द्वारा पूछे गए हैं, और आगे इसी तरह से जो आपको करा दिया ना क्वेश्चन, इसी से आने हैं, फिल्म से, फिल्म इंडस्ट्री जितने भी क्वेश्चन आने हैं, जो आपको करा दिया इसी में से आपके क्वेश्चन आने हैं। बस अपने लगन से देखना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दे वीडियो को, ताकि हमें भी एनर्जी मिले, और आपके लिए ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हरियाणा GK से रिलेटेड वो आपको करा दिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन दिखाएं कंप्यूटर जी। क्वेश्चन है आपके लिए, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये अक्यूशन रिकॉर्डर 2016 में और PGT इंग्लिश मेवात 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कमेंट में जल्दी से उत्तर दें इसका। जाट राम जी, सी भारती मलिक ने क्या बताया, चंद्रावल मूवी के हीरो। शुभम शर्मा जी, गगन पानीपत, सी। बिल्कुल गलत आंसर है भाई, आपने बताना है देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देवी शंकर प्रभाकर आपने बताना है, जो आपने आंसर क्या है इसका सही। जल्दी से, आपके पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से बताएं। निशा जायसवाल, बिल्कुल राइट आंसर निशा जायसवाल। सिमरन गुप्ता, रोंग। तो आपका जो आंसर रहेगा, जो अपने देवी शंकर प्रभाकर जी हैं, किससे संबंधित हैं? अपने सिनेमा जगत से। जो अपने देवी शंकर प्रभाकर जी हैं अपने किससे संबंधित है, आपने ये बताना था। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अपने सिनेमा से। तो इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा टाइम और ले लूं, कि अभी जो बच्चे 10th कर रहे हैं, करके अटके अटके जिनका रिजल्ट आ चुका है, और या जो प्लस टू करके अभी रिजल्ट आना है, तो बहुत से सोचेंगे कि मैं किसकी एडवाइस लूँ या क्या करूँ, कुछ करूँ। बहुत से आपको देखो रास्ते चलना तो आपके ही पड़ेगा, बताएगा कोई ना कोई, ऐसे कर लो, ITI कर लो, कॉलेज कर लो, वो कर लो। देखो स्टडी हमेशा कोई सी भी कर लो, लगन से करनी पड़ेगी भाई। और जो हमारी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी है, जो गवर्नमेंट हमें नौकरी देने लगती है, वो 10th के बाद देने लगती है, कि हम 10वीं के बाद प्लस टू करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद वो करेंगे वो करेंगे। तो जो गवर्नमेंट है अपनी, जो हमें नौकरी दे रही है, जो हमारी सरकार है हरियाणा सरकार, वो हमें 10th बाद नौकरी देती है। तो ये जो आपको कराया जा रहा है, ये आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ही है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, और जो अपने भाई हैं 10th में, अभी घर पे फ्री हैं, बेले हैं, अपने प्लस टू वाले जो भाई हैं, वो इनको जरूर देखें, और अपनी स्टडी भी निरंतर जारी रखें। तो ये आपके हरियाणा में जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं कंप्यूटर जी आपके लिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जल्दी से इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा। 1984 कौन सी हरियाणवी फिल्म का गाना सबसे प्रसिद्ध था? आपने बताना है। कौन सा गाना प्रसिद्ध था, जो चंद्रा अपनी 1984 में फिल्म आई थी, मेरे पाछे पाछे आवण का भला कौन सा मतलब तेरा सा। ये तो दूसरी फिल्म का गाना था भाई। आपने बताना है चंद्रा वाली फिल्म का। चंद्रा वाली फिल्म का जो सुप्रसिद्ध गाना था, सबसे प्रसिद्ध गाना, ये क्वेश्चन भी आपका PGT संस्कृति में हुआ है, तो आपने बताना है कौन सा। आपको वैसे मैंने आंसर बता दिया, जो 1984 में फिल्म थी हरियाणा की, कौन सी फिल्म थी जिसका गाना सबसे प्रसिद्ध हुआ, ये आपने बताना है। जल्दी से आंसर दें इसका। गगन, प्रजापत, बी अमरीक, बी प्रियंका जांगड़ा, बी सीमा खट्टर, बी। बिल्कुल राइट आंसर है, जो 1984 में अपनी कौन सी फिल्म आई थी, एक तो आपने ये याद करना है, जो 1984 में अपनी फिल्म कौन सी आई थी,
चंद्रावल, चय से चुरासी और चय से चंद्रा, चंद्रावल ये आपने याद रखना है। जो एक बार एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी से चंद्रावल फिल्म से कि जो अपना सूरज था इसमें मेन हीरो था सूरज, तो उसका रोल किसने किया था जो जज्जर के थे अपने जगत जाखड़। चंद्रावल फिल्म में जो सूरज का रोल किया था किसने किया था अपना जगत जाखड़ ने, ये या आपने याद रखना है। और कब आई है 1984 में, हरियाणा की सबसे सुपरहिट फिल्म कौन सी रही है, वो चंद्रावल रही है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन अगला लगाएं बच्चों के लिए। फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध, जो फिल्म में है सुनील दत्त है अपने संजय दत्त के पिताजी हैं, उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, ये आपने बताना है कि जो अपने सुनील दत्त जी हैं ये हरियाणा के किस जिले से हैं। ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ यमुनानगर, बी हिसार, सी जींद और डी फरीदाबाद। ये हरियाणा LDC में आया हुआ है 2016 में, आपने इसका आंसर देना है। जो संजय दत्त के पिताजी हैं, और संजय दत्त भी अपने फिर कहाँ के हुए, अपने हरियाणा के हैं। देखो कितने बड़े बड़े एक्टर्स अपने हरियाणा से हैं, और मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और जो कुछ रह चुके हैं जो एक्टर्स हैं या कुछ भी हैं उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में भी बताऊंगा, जो कुछ एक्टर्स हैं उनकी फोटो के साथ, आपको बिल्कुल ही कि आपको माइंड में जम जाए कि थीम लग जाए पूरी वो सेव हो जाए कि ये अपने इस जिले के हैं, ये इस जिले के हैं। तो फिल्म नायक आपने बताना है सुनील दत्त हैं, ये किस जिले के हैं अपने हरियाणा के। जल्दी से आंसर दें इसका। निकू बर्मन ए, अनुदैया ए, ए निकू, निकू बर्मन ए भाई, राइट, बिल्कुल राइट आंसर है निकू भाई। सीमा का भी राइट आंसर है, निशा का भी राइट आंसर है। तो जो सुनील दत्त नायक जो अपने हैं कहाँ के हैं, यमुनानगर जिले के हैं। जो सुनील दत्त हैं ये कहाँ के हैं अपने, यमुनानगर जिले के, ये आपने याद रखना है कि जो सुनील दत्त हैं अपने किस जिले के हैं, हरियाणा के। और अगर संजय दत्त भी पूछ ले जाए जब उसके पिताजी अपने यमुनानगर जिले का, तो वो भी कहाँ को हुआ है अपने, यमुना नगर का। और एक कौन सा था, वेद गांधी कहाँ का था अपने, यमुनानगर का, आपने याद रखना है। वेद गांधी और सुनील दत्त ये कहाँ के अपने, यमुनानगर के। उसके बाद है सुल्तान, सुल्तान फिल्म सभी ने देखी होगी, जो सुल्तान फिल्म में सुल्तान के जीवन पर आधारित है। ये सुल्तान अपने कहाँ का था ये आपने बताना है। जो सुल्तान फिल्म में सुल्तान के जीवन पर आधारित है यह पहलवान हरियाणा के किस जिले का है, यह आपने बताना है हरियाणा के किस जिले का है। ये जल्दी से आंसर दें इसका कि ये हरियाणा के किस जिले का है। ऑप्शन ए भिवानी, बी महेंद्रगढ़, सी रेवाड़ी और डी जींद। जल्दी से इसका आंसर दें कि ये हरियाणा के किस जिले का है, जल्दी से आंसर दें इसका। जो सुल्तान फिल्म का नायक पहलवान, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो सुल्तान का रोल किया है इसमें किस नायक ने किया, आपने बताना है। जो अपने फिल्म इंडस्ट्री से जो मेन है हीरो हैं जिसमें सुल्तान का रोल किया है वो किसने किया है, जल्दी से इसका आंसर दें। 5 सेकंड हो रहे हैं आपके लिए। निशा जायसवाल, सी सलमान खान, बिल्कुल राइट निक्कू, सलमान खान, शिल्पा, सी गगन प्रजापत, सी निशा जायसवाल, सलमान खान। हाँ ये तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो उसमें रोल किया है ये किसने किया है, पहलवान का रोल किया है ये किया अपने सलमान खान ने। ये कहाँ गया अपने, जो अपना पहलवान था वो कहाँ का था, रेवाड़ी का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं कंप्यूटर। देवी शंकर प्रभाकर, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं, ये आपने बताना है। बहुत बार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सफल नायक हैं, सबसे जो सफल नायक रहे हैं कौन है, ये आंगनबाड़ी में भी आया हुआ है और हरियाणा कलर्क में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये जल्दी से आप आंसर दें। ए देवी शंकर दे रखा है, बी जगत जाखड़, सी अनूप सिंह और डी सुनील दत्त, ये आपने बताना है। जो निर्देशक हरियाणवी फिल्म में यह नायक हैं जो अपने कौन हैं, ये जल्दी से आप आंसर दें। निक्कू डी, निशा जायसवाल डी, भारती मलिक बी, सफल नायक बताना है इसमें।
जल्दी से आंसर दें। जो सफल नायक हैं हरियाणा कलर के में आए हुए क्वेश्चन है, और आंगनबाड़ी 2017 में भी आए हुए क्वेश्चन है ये, इसका आंसर जल्दी से दें। जो इसका राइट आंसर है जल्दी से, भारती मलिक बी, निकू डी, डी निशा बी, निकू डी। निकू आपका गलत है वैसे, जो अपना राइट आंसर है वो है अपना बी। क्या आंसर रहेगा? बी। जो सफल नायक रहे हैं अपने कौन? जगत जाखड़। फोगाट बहनों पर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो फोगाट बहनों पर फिल्म बनी है अपनी, आमिर खान ने बनाई थी, ये जो लड़कियां हैं अपनी, जो फिल्म बनी थी इन पे अपने, किस जिले की थी? अपने चरखी दादरी जिले की हैं जो ये अपनी लड़कियां फोगाट बहने हैं। तो इन पे जो फिल्म बनी थी वो आपने बताना है कि कौन सी फिल्म बनी थी। ऑप्शन ए दे रखा है कुश्ती, बी दे रखा है दंगल, और सी विजेता, और डी बॉक्सर। जो फोगाट बहनों पर जो फिल्म बनी है जल्दी से इसका आंसर दे कि कौन सी फिल्म फोगाट बहनों पर बनी थी। गगन प्रजापत बी, निक्कू बी, सीमा बी। निक्कू भाई पढ़ रहा है तो आपका आंसर सही क्या रहेगा? दंगल फिल्म, जो उसमें आमिर खान पूछा जाता है, जो अपना महावीर फोगाट जी थे अपने, फोगाट बहनों के पिताजी, तो उनके पिताजी का रोल किसने किया था? एक बार क्वेश्चन आया था किसने किया था, आमिर खान ने, जो महावीर फोगाट जी थे उनका रोल किसने किया था? आमिर खान ने। देखो भाई, अगर प्रतिभा होगी तो कितने बड़े बड़े एक्टर फिल्में बनाते हैं आप पर। अगर ऐसे ही कल आप भी बैठे रहोगे और भी बैठा रहेगा, तो यार कुछ ना कुछ तो अपनी निकालना पड़ेगा अपने। देखो आज ये लड़कियों का नाम विदेशों में हर कोई जानता है, फोगाट, अब इनके परिवार को भी दुनिया जानती है, फोगाट फोगाट फोगाट। ये अपने हरियाणा के हैं सब। देखो इन पे कितना बड़ा एक्टर था, उन्होंने एक फिल्म बनाई, कितना बड़ा काम किया है। तो यार लग जो अपना, अगर आप सोच रहे हो ना कि नौकरी सिर्फ पैसे वाले को मिलती है, किसी को मिलती है, मेहनत करेगा नौकरी उसी को मिलेगी, और उसका फल उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा, निरंतर मेहनत करेगा। और आपने यार देखो लगे रहना है, अपना 100% दो पढ़ाई को, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो, ना कि निठल्लापन दिखाते हैं बहुत से कि आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा ऊपर करूंगा या वो करूंगा। तो यार अपना डेली पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शंकर जादूगर के बारे में। शंकर जादूगर दिखाएं कंप्यूटर जी बच्चों को, शंकर जादूगर सभी ने देखा होगा, इसका जो प्रोग्राम है ये, अभी तो इसका पोस्टर भी देखे होंगे बसों में भी, और हर एक शहर के जो चौराहे हैं, चौक चौराहों पे इसके पोस्टर मिलते हैं, और देखा भी होगा इनका जादू। ये कहाँ के हैं पूछा जाता है, इलाहाबाद, हरियाणा के किस जिले के हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये हरियाणा के किस जिले के हैं। सिरसा में इलाहाबाद जगह है, एक स्थान है जहाँ के ये रहने वाले हैं, कि ये कहाँ के हैं। सिरसा तो वैसे अब तक पूछा नहीं गया इसका कि कहाँ के हैं, कि ये कहाँ के हैं, तो आंसर क्या आया उसका? इलाहाबाद। अगर इसमें आंसर दिया जाए कि इलाहाबाद सिरसा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने देना है जो ये इलाहाबाद के हैं अपने सिरसा में। तो इससे आज का आपका जो टॉपिक है ये अपना हरियाणा जीके का फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, ये कंप्लीट है। ये क्या बोल रहे हैं निकू, 25 सेकंड लगता था पानीपत, अच्छा 25 सेक्टरी में, अच्छा भाई सभी ने देखा है। जो शंकर जादूगर है ये अपने याद रखना है कहाँ के हैं, इलाहाबाद के। ये आपकी देख लो भी, जितने भी एक्टर्स हैं अपने हरियाणा के सुपरहिट। तो मुझे आशा है आपने आज मजा भी होगा पढ़ने में, अरे भाई वीडियो नो शेयर करो जल्दी से, और लाइक मत दे दो थोड़ा सी, और कमेंटों में बता दो, चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया होगा सभी ने, और बेल आइकन भी दबा दियो, साइड में दिख रहे होगा थंबनेल, बेल आइकन भी दबा दियो उसका थोड़ा सी, और भाइया ने प्यार दियो, और डेली पढ़ते रहियो, यही कहूँ भाई मैं थरते सारे दे, विगी बागानू बना दो भाई ब्रांड थोड़े टाइम भाई। तो थैंक यू, राम राम सारे भाइया ने, थारा प्यार यूं ही देते रहियो भाई, और दोबारा फिर थारे भाई की राम राम।